हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम आपको घोड़े को जब कोल्ड हो जाए उसका देसी तरीके से कैसे इलाज किया जाता है वो बताएंगे। ये इलाज हमने पहले खुद किया है 3-4 बार, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने लेने हैं सफेदे के पत्ते, वो काफ़ी जैसे 50-60 ले लेने हैं। उसके बाद आपने लेनी है लकड़ के कोयले, जो मतलब जल रहे हों आग, उसको लेकर आपने बाल्टी में डालनी है और उसके ऊपर डाल देने हैं पत्ते। और उसके अच्छी तरह से जब वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा। और अब इसमें दो चीज़ें और ऐड करनी हैं, वो है चीनी और अजवाइन। आपने 3-4 चम्मच चीनी के और 2-3 चम्मच अजवाइन के ऐड करने हैं पत्तों के साथ। अब क्या है, इसको जो धुआं है वो उसके मुंह के पास लेकर बाल्टी को आपने रख देना है और उसका धुआं आपके जानवर के नाक राई अंदर चलेगा जाएगा, जब तो उसके अंदर जो रेशा जमा हुआ होगा वो आप पानी के साथ या वो रेशा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसका उससे क्या होगा कि जो रेशा जमा हुआ उसके कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जानवर को, तो जब वो रेशा इस धुएँ के बाद बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद जानवर को सांस लेने में काफ़ी आसानी होगी और जो उसका कोल्ड है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जानवर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ये हमने पहले खुद किया, 3-4 बार हमने किया है इससे पहले। और जो दलबारा है इसको 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था तो हमने इसको इससे ही ट्रीटमेंट किया। उसके लिए आपने क्या करना है कि बाल्टी के साइड पर कपड़ा लगा लो, जे ज़्यादा धुआं आपने लेना है तो उसके आसे पासे चारों तरफ कपड़ा डालकर उसका मुंह है जो उसके बाल्टी के अंदर चला जाएगा और धुआं है जो सीधा उसके मुंह में नाक राई अंदर चला जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा उसको फायदा होगा, तो जो सारा रेशा है वो बाहर आएगा। तो इसके लिए आप ये देखो कितना मतलब कि उससे नाक से रेशा बाहर निकल रहा है और उसको भी बढ़िया फील हो रहा है, वो अपने आप ही अब इस सांसें लेने लगा है धुएँ की। तो इसको क्या करना है, आपने दिन में 2 टाइम देना है, सुबह और शाम 15-15 मिनट आपने दोनों टाइम देना है और इससे आपको आपके जानवर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज ये देखो आपने कितना ज़्यादा रेशा वो जो अंदर जमा हुआ था बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। आप 2-3 मिनट में वो अंदर जो रेशा होगा ना वो लगातार लगातार बाहर आता रहेगा, तो इससे जो उसकी सांस लेने की तकलीफ है वो भी ठीक हो जाएगी। इसको दिन में 2 बार लगातार 4-5 दिन करना है। हमने तो ये नुस्खा काफ़ी बार अजमा लिया और बहुत ही ज़्यादा इसका फायदा भी होता है। अब आप भी जब आपके जानवर को हो कोल्ड तो ये नुस्खा जरूर अपनाना और अपनाने के बाद हमें कमेंट कर बताना भी इसका क्या फायदा हुआ आपको। ये आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको आगे से भी जो हमें जानकारी पता है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।